राम बाग, जी हाँ, उल्वे नोट का स्वर। सीधे शब्दों में यदि कहें तो आप यही कह सकते हैं कि ये उल्वे नोट शिवाजी नगर में ये स्वर्ग बना है। राम बाग में, राम बाग घूमने आए कुछ लोगों से हमने बात की, उसमें से कुछ क्षण चित्र। जी हाँ, राम बाग एक काफी इमेजिनरी थीम है, तो हमें अच्छा लगा कि कोई इस थीम के ऊपर कोई, मतलब हमारे नियर बाय में या नवी मुंबई में, और वो भी खासकर उल्वे में जो गौथन एरिया है, उसमें ऐसा क्रिएशन हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा ऑब्वियसली। और बिकॉज ये काफी ब्यूटीफुल थीम पे डिजाइन हुआ है, तो डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ टूरिस्ट, नॉट फ्रॉम मुंबई बट आउटसाइड ऑल्सो। सो इट्स रियली अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आई रियली एंजॉयड इट। और ये है रामबाग का रात का नजारा। जी हाँ, जगमगाता हुआ रामबाग, खुली ऑक्सीजन। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आज के जमाने में जो सीमेंट जंगल बनते जा रहे हैं, लेकिन रामबाग में आके आप अपने फेफड़ों की सफाई कर सकते हैं, आपको खुली ऑक्सीजन मिलेगी। जी हाँ, और राम शेठ ठाकुर जी, जी हाँ, जिनकी परिकल्पना पे ये बना है, उनको लोग बधाई दे रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं और वो बहुत ही खुश हैं। ये खुश होने वाली बात ही है क्योंकि ये उल्वे नोट के लिए उल्वे का स्वर्ग है। धरती का स्वर्ग तो सुना था, लेकिन उल्वे का स्वर्ग आज पहली बार देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सांस लेने के लिए भी मालूम पड़ता है कि अपने फेफड़े जो हैं वो असली ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। सर, रामबाग बनाने के लिए आपके दिमाग में कैसे प्रेरणा आई? एक तो बात है, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि नावा खाड़ी में मेरा जन्म हो गया। अच्छी तरह से यहाँ खेती होती थी, हमारे पूर्वज जो थे, पिताजी, उनके डैडी, ये सब यहाँ रहते थे। हमारा जन्म 51 में हो गया, 1951, लेकिन मैं 7-8 साल का होने के बाद ये जो समुद्र किनारा था खाड़ी का, वो बंद टूट गया। सरकार ने थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन वो हार्लैंड बोर्ड से इसका मरम्मत ठीक नहीं हुई और पूरा खेती हमारा पानी में गई। 7th क्लास में जाने के बाद, मतलब मैं 12-13 साल का होने के बाद, हमको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा शिवाजीनगर गवान में। भगवान की दया से, हमारे ट्राई से एजुकेशन गवान में हाईस्कूल का हो गया, करमेर भवराव पाटिल के रेह शिक्षण संस्था के थ्रू, और बाद में सातारा परवेर में कॉलेज नहीं होने के सातारा गया, और सातारा में मेरा कॉलेज पूरा कर दिया, आके टीचर बना, बाद में उद्योजक बन गया। उद्योग धंधा में कुछ मशीनरी वगैरह लेके 2 पैसा मिला। मेरे को ऐसा लगता था कि जहाँ मैं बचपन में खेलता था वो एरिया आज पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ है। हमारा जो आज टेम्पल दिखता है, यहाँ का हमारा टेम्पल पूरा पानी में जाता था, आने जाने को रास्ता नहीं था। दिल में एक सोचा कि इतना अपने पास भगवान ने जो कुछ दिया है, इसका सच अगर यूज करना है तो हमको ये एरिया जो है जो कीचड़ में पड़ा हुआ है, तो यहाँ कुछ हम बना सकते हैं, और वही मेरा जीवन का सफल ऐसा एम होगा। इसके लिए मैंने ये सब जरा थोड़ा सा, ये टेम्पल कमेटी हमारा एक है, तो वो टेम्पल कमेटी ने को बोला कि हम यहाँ पेड़ बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, और उन्होंने मेरे साथ में, हम सब मिलजुल के गाँव वालों के साथ ये यहाँ पेड़ लगाए, गार्डन बनाया। इसके लिए हम लोग दुबई में गए, मिराकल गार्डन जो है उधर का, वो देख लिया और वो बहुत अच्छा लगा, और बोला चलो ये मिराकल दुबई में है, पानी कम है उधर, तो ये कीचड़ में भी हम दुबई कर सकते हैं। कमल जैसा कीचड़ में होता है हम बोलते हैं, तो ये कीचड़ में भी हम कमल लगा सकते हैं, और ये आपको लग रहा है ये अच्छा खासा गार्डन तैयार हो गया। सब सुविधाएं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए है, मतलब जो जो सुविधा चाहिए तो वो सब यहाँ होने के, टॉयलेट्स लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए सब होने के कारण, रनिंग के लिए वगैरह ऐसा सब होने के कारण, ये तालाब है, पेड़ है, सब है, तो लोगों के साथ मैं भी खुश हुआ हूँ कि मैं कुछ मेरे जिंदगी में अच्छा काम कर सका जी। मेरे जिंदगी का एक अच्छा सफल मेरा होने का मेरे को दावा है जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राम बाग, उल्वे नोट का स्वर्ग। जी हाँ, जी।